हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है हाउस एक्सप्लोरर्स। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन 4 BHK इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। लोकेटेड है ये नीतिखंड 1 इंद्रापुरम में। अगर हम बात करें इसके साइज की तो ये बना है 220 स्क्वायर मीटर में। अगर हम इस लोकेलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसके नियर अबाउट में देखें आपको पूरा ग्रीनरी मिल जाता है। ये हाथी पार्क है, स्वर्ण जयंती पार्क बिल्कुल नियर अबाउट में आ जाता है। दिल्ली नोएडा से कनेक्टिविटी अच्छी आ जाती है। चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको इस फ्लैट से। उससे पहले इसका बिल्डिंग का एक ओवर लुक देख लीजिए। ये देखिए क्या एलिवेशन, देखिए क्या बेहतरीन इसकी एलिवेशन आपको मिल जाती है। बिल्कुल कोठी स्टाइल में बनाया गया है। ये साइज बेहतरीन आने वाला है, रूम साइज अच्छे आ जाते हैं, सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल टॉप नॉच होने वाली है। ये देखिए, ये आपको यहीं पर आपको ये टॉप नॉच सिक्योरिटी के लिए मिल जाता है, ताकि आप यहीं से कॉल करें, आप आ रहे हैं विजिट करें तो बटन दबाएं, तो आपको चेकआउट कर लेंगे कि कौन है। पूरा आपका देखिए, पूरा CCTV कैमरा अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका कैमरा लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कैमरा इंस्टॉल्ड है। गेटेड सोसाइटी जैसे हमने बात की, तो आपकी एड ऑन सिक्योरिटी हो जाती है। अगर अंदर भी अगर आप देखें तो ये देखिए, ये आपका पूरा प्रॉपर पार्किंग स्पेस हो जाता है। तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ आपकी आराम से यहाँ लग जाएंगी, दिक्कत होने वाली है नहीं। नीचे भी अगर आप ये देखें तो पूरा ये CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी एनहेंस हो जाती है। चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको फ्लैट से, चलते हैं फ्लैट की तरफ। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका चैनल में। तो हम आ गए हैं फ्लैट में जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बना है तकरीबन 220 स्क्वायर मीटर साइज में, 4 BHK है। इसमें आपको 4 बेडरूम देखने को मिल जाते हैं, 3 इसमें आपको वॉशरूम देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट फेसिंग होने वाला है, ईस्ट फेसिंग होने वाला है, 2 आपके फ्रंट फेसिंग बेडरूम आ जाते हैं, 2 बैक साइड आ जाते हैं। टेम्पल सेक्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, मॉड्यूलर किचन, डाइनिंग और लिविंग रूम के साथ में ये फ्लैट आ जाता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मिलवाते हैं आपको इस फ्लैट से। ये लोकेशन तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं इसके बारे में, प्राइस भी आप सब जान गए हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं इस फ्लैट से। तो दोस्तों, ये हो जाता है बढ़िया सा इसका एंट्री डोर। एंट्री डोर से अगर हम पहले की बात करें, जो इसकी एक USP है, तो इसमें आपको आपका डेडिकेटेड लिफ्ट देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाता है आपका लिफ्ट। लिफ्ट से बिल्कुल लगते ही आपका ये फ्लैट बना हुआ है। ये हो जाती है आपकी एंट्री डोर, जो कि आपका ये अगर आप ये देखें तो ये डिजिटल स्मार्ट लॉक है बाय गोदरेज, ये आपको मिल जाता है। तो आपकी प्रोटेक्शन आपकी टॉप नॉच होने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस डोर की, तो आप डोर का डिज़ाइन देखें, क्या इसका डिज़ाइन बनाया गया है। थिकनेस अगर आप देखें, कमाल दिखता है ये डोर का डिज़ाइन, लाजवाब है, काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इसके लिविंग रूम में। लिविंग रूम भी इसका आलीशान दिखता है। अगर हम इसकी साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका अगर हम एक एवरेज साइज़ देखें, तो तकरीबन 21x18 का एक अच्छा साइज़ निकल के आ जाता है। ये एग्जैक्ट साइज़ नहीं होने वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लब्बो लुभाव कुछ यही साइज़ आपको मिल जाएगा। साइज़ बेहतरीन है, आपका 10-सीटर सोफ़ा लगा हो तभी भी आपको दिक्कत होने वाली है नहीं इस साइज़ में। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरा से काफ़ी दूरी पर हूँ, आप ये जज कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा साइज़ आने वाला है। इसका जो ये मेन वॉल है दोस्तों, इसको भी काफ़ी हाईलाइट किया गया है। इसमें ये देखिए, काफ़ी अच्छा काम आपको देखने को मिल जाता है। ये एक्चुअली कुशन है, क्योंकि देखने में तो अच्छा लगता ही है, काफ़ी अच्छा फील भी हो जाता है। अगर आप टच करते हो तो काफ़ी अच्छा फील हो जाता है। फॉल सीलिंग का इसमें दोस्तों आपको अच्छा काम मिल जाता है। तो अब हम इससे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टेम्पल एरिया। ये देखिए, यहाँ पर ये आपका टेम्पल स्पेस बनाया गया है, यहाँ पर आप अपनी पूजा प्रार्थना आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लगते ही आपको आपका डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है, जिसको इस ग्लास से इसको पार्टीशन किया गया है। वुड और ग्लास में वर्क किया गया है, इसका पार्टीशन किया गया है, बेहतरीन दिखता है। इस वॉल्स को भी अच्छे से आपको देखें, इसको डेकोरेट किया गया है, खूबसूरती इसकी बढ़ा रहे हैं इसके वॉल्स। अगर हम इस डाइनिंग एरिया की दोस्तों साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका साइज़ तकरीबन आ जाता है 21x11 स्क्वायर फीट का, बेहतरीन साइज़ आने वाला है। तो आप यहाँ लगा लें, अगर आप यहाँ पर 6-सीटर या 8-सीटर सोफ़ा लगाते हैं, तो सॉरी डाइनिंग टेबल लगाते हैं, तभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। दोस्तों, इसी के सामने ही आपको आपका अल्ट्रा मॉड्यूलर लेविस का एल शेप में बना हुआ किचन देखने को मिल जाएगा। इसका कलर टोन भी थोड़ा क्रीमिश और हल्का ग्रेइश टोन रखा गया है।
किचन की यूएसपीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डेडिकेटेड आपको ओटीजी और माइक्रोवेव आपको यहीं देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा ग्रोसरी के लिए आपको ये सेक्शन आपको अलग से क्रिएट करके दिया गया है। इसकी यूएसपी दोस्तों ख़त्म ही नहीं होती है, ये देखिए यहीं पर आपको अलाइका का आपको यहाँ देखेंगे तो आपको ये चिमनी देखने को मिल जाएगी और उसके नीचे ही आपको बाय द सेम ब्रांड आपको 4 बर्नर कुकटॉप देखने को मिल जाएगा। आपका बिल्कुल इसके राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको ये डिश वॉश के लिए सिंक एरिया दिया गया है जो कि बिल्कुल सेपरेट है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आप इसमें ब्रांडिंग की बात करें जो उसकी फिटिंग्स है तो बाय जैक्वार है, वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास। और इसकी यूएसपी की बात करें तो ये देखें ये आपको ये ग्लास के साथ में आपको मिल जाते हैं जो कबर्ड्स बने हुए हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा सामान रखा गया है। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया इसका लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, बेहतरीन सा किचन। वक्त आ जाता है अब इसका बेडरूम चेकआउट करने का। तो दोस्तों अब हम हैं इसके बेडरूम में। बात करें अगर हम इसके साइज की, उसका साइज तकरीबन आपका निकल के आ जाएगा, उसका साइज आने वाला है तकरीबन 13x16 स्क्वायर फीट का एक अच्छा साइज निकल के आ जाएगा आपका। ये अगर आप ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको पिंकिश टोन में थोड़ा वर्क किया गया है, ये थोड़ा गुड़ लगा हुआ है जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है, उस वॉल को एनहेंस कर देता है। इसी में दोस्तों आपको ये बेहतरीन सा आपको ग्लास डोर में बना हुआ वॉर्डरोब देखने को मिल जाएगा। ये देखें बेहतरीन दिखता है, ये फुल फ्लैश हाइट आ जाती है तो आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाती है। अलग सा सेक्शन आपको यहाँ अलग देखने को मिल जाता है। टीवी वॉल आपको यहीं देखने को मिल जाता है। इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है जो कि आपका ये भी लैविश सा दिखता है। जैक्वार की ही इसमें सैनिटरी फिटिंग्स आ जाती हैं और बाथ फिटिंग्स भी आपको बाय जैक्वार की देखने को मिलेंगी। इसमें देखो दोस्तों ये देखें इसको पार्टीशन दिया गया है, जो आपका जो शावर एरिया है वो रेस्ट ऑफ द एरिया को आपको पार्टीशन कर देता है, तो ये भी बेहतरीन दिखता है। दोस्तों जैसे कि हमने बात की, क्योंकि दो उसके जो उसके बेडरूम्स हैं बैक साइड में आ जाते हैं तो उससे लगती हुई आपको एक बालकनी देखने को मिल जाती है जिसको आप स्टोर रूम के तौर पर भी उसे आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं यहाँ आपको चलते चलते ये दिखाऊं, ये देखें ये जो जितने भी डोर्स हैं ना, आपके डोर्स की क्वालिटी एक ही जैसी रहने वाली है, पूरे घर में एक जैसे ही डोर्स आपको देखने को मिलेंगे। लॉक हैंडल्स और जो फिटिंग्स हैं ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको कॉपर स्टाइल में थोड़ा सा देखने को मिल जाता है लेकिन बेहतरीन दिखता है ये। अब हम आ गए हैं इसके दूसरे बेडरूम में जो कि बिल्कुल पहले बेडरूम के एडजेसेंट है। अगर हम इस रूम की साइज बात करें बेडरूम के इस साइज की, तो उसका साइज तकरीबन 16x12 स्क्वायर फीट का साइज आ जाता है। इसी में आपको दोस्तों आपको टीवी पैनल आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। आपका जो वॉल है, मेन वॉल जो आपके बेड के पीछे आने वाला है, इसको काफ़ी अच्छे से क्रिएट किया गया है। स्ट्रिप लाइटिंग आ जाती है। इस रूम को दोस्तों क्रीमिश और डार्क क्रीमिश बेज टोन में हल्का सा इसको किया गया है, या सैंड कलर से बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। ये आपका वर्क स्टेशन के लिए यहाँ बनाया गया है, अपना यहाँ पे अपना वर्क स्टेशन बना सकते हैं, यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों इसमें वार्डरोब और इसका वॉशरूम दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दोस्तों इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो इस रूम की यूएसपी है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से आपको रनिंग क्लोजेट देखने को मिल जाता है और वहीं पर आपको आपका वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वॉशरूम भी दोस्तों आलिशान दिखता है। इसमें भी आपको सेम जैक्वार की ही सारी फिटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, सैनिटरी फिटिंग्स हों, बाथ फिटिंग्स हों। और ये देखिए टच सेंसर लाइट आता है, इसको अभी लगाया नहीं गया है वरना ये सारी जो चीज़ें हैं कलर टोन ये चेंज करता है अपना। चलिए दोस्तों हमने चेक कर लिए हैं इसके दोनों बेडरूम, उससे लगते हुए उसके अटैच वॉशरूम, जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो चेकआउट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर और चीज़ें चेक कर रहे हैं उससे पहले जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया आपने देख ही लिया, किचन देख लिया। यहाँ जो दोस्तों ये नीचे लगा हुआ है ये आपके टाइल्स नहीं है, ये मार्बल है, इटालियन मार्बल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपके लिविंग, डाइनिंग और किचन में आपको इटालियन मार्बल देखने को मिलेगा। और यूएसपीज की बात करें तो दोस्तों ये देखिए आपको बाय गोदरेज या
आपको डिजिटल, जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि स्मार्ट लॉक को देखने को मिल जाता है, स्मार्ट आपको सिक्योरिटी सिस्टम भी आपको यहीं देखने को मिल जाता है। तो आपको जो प्रेमाइसेस में जो आपके सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि कौन आपसे मिलने आ रहा है, कौन गेट के बाहर है, तो आपकी सिक्योरिटी और एनहेंस हो जाती है। वैसे ये जो आपका जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये गेटेड सोसाइटी के अंदर आने वाला है, तो आपकी सिक्योरिटी तो वैसे ही एनहेंस हो जाती है। आपके नीचे जो आपका जो बेसमेंट है वहाँ पर भी आपके सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, बिल्डिंग के बाहर भी इंस्टॉल्ड हैं, और जो आपका जो रोड आने वाला है, जो सामने जो रोड है, जो स्ट्रीट होने वाली है, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमराज आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है गेटवे पे लाइफ के लिए। लेकिन इस फ्लैट को और एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है पूरा। ये दिवाली से ग्रेइश कम ब्लैक टोन में इसको क्रिएट किया गया है। ये इन डीप आपका वॉशरूम हो जाता है, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड शावर एरिया के लिए मिल जाता है। ये आपका रेस्ट ऑफ द एरिया हो गया, स्ट्रिप लाइटिंग आ जाती है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। सैनिटरी फिटिंग तो आपको जयपुर की मिल ही रही है, और ये देखिए क्या आपको लेविस आपको आपका वॉशरूम आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हमने चेक कर लिया है इसका कॉमन वॉशरूम, जी हाँ, वो कॉमन वॉशरूम के साथ साथ में दोस्तों उसकी एक एंट्री ना यहाँ से भी मिल जाती है। यहाँ से भी अगर आप खोलें ना, तो यहाँ से भी आप इसी वॉशरूम को एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाता है इस फ्लैट का तीसरा बेडरूम, कमाल दिखता है ये इसको दोस्तों पूरा का पूरा जो है वुड टोन में ही पूरा ग्रेड किया गया है। वॉल्स पर भी अगर आप ये देखेंगे तो पूरा वुड का काम है, इस वॉल को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर देता है। इसका वार्डरोब है दोस्तों, ये भी देखिए पूरा क्लासी लगता है, अलग ही फील मिल जाती है इसको आपको ओपन करते ही। इसमें ग्लास के साथ में आने वाला है, तो आप इजीली चीज़ों का आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्लस इसमें ये सेंसर लाइटिंग आ जाती है, जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं ओपन हो जाता है, बंद करते ही लाइट्स इसकी बंद होने वाली हैं। साइड में थोड़ा सा आपको अलग सा ये सेक्शन दिया गया है, इसमें भी अपने क्लोज रखते हैं, अपना कुछ अपना डेकोरेटिव आइटम यहाँ रख पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सामने आपको ये आपको टीवी वॉल क्रिएट करके दिया गया है, तो यहाँ पर अपना टीवी लगाएं, यहाँ बेड लगाएं, अच्छे से इंजॉय करें। दोस्तों जैसे कि हम इसकी यूएसपीज की बात कर रहे थे, तो जैसे इसकी ईस्ट फेसिंग हो जाती है तो इसकी मेन यूएसपी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ पर कोई आपको वॉल नहीं दी गई है, आपको ये ग्लास वॉल क्रिएट करके दी गई है। तो आपको क्योंकि सुबह की धूप यहीं से आने वाली है, तो आपके ये कमरा है और जो इसका चौथा बेडरूम होने वाला है, यहाँ पर आपको प्रॉपर धूप मिलने वाली है। और अगर आपका ये वाला डोर ओपन होता है, दूसरा डोर भी ओपन करते हैं, तो आप ये लगा लीजिए, आपका लिविंग रूम तक भी आपके प्रॉपर सनलाइट जाएगी। वेंटिलेशन तो आपको अच्छी मिलने ही वाली है, क्योंकि आपका फ्रंट फेसिंग हो जाता है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन तो मिल ही जाएगी। रूम साइज इतने अच्छे हैं कि इसमें अगर आप अपना किंग साइज बेड भी लगाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे आप कोई सा भी बेडरूम लगा लें, सब में आपका किंग साइज बेड आराम से आ जाएगा, स्पेस की आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, मूवमेंट आपकी आराम से हो जाएगी, क्योंकि साइज इतने अच्छे आ रहे हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर बेडरूम की अगर हम साइज की बात करें, तो उसका तकरीबन साइज आ जाता है, इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 15x16 स्क्वायर फीट का एक अच्छा साइज आ जाएगा आपका, बेहतरीन साइज है। बेड लगाएं, किंग साइज बेड लगाएं, दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। चलिए दोस्तों इसका चौथा बेडरूम हम चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका चौथा और लास्ट बेडरूम। इसको भी अगर आप देखें तो हल्का सा ये आपका ग्रेश कम ये ग्रीन सा टोन है इसमें आपको क्रिएट किया गया है। एक बार आप जो खुद आए, खुद आप इसे चेकआउट कर पाएंगे कि क्या बेहतरीन बनाया गया है। वॉल्स को बहुत अच्छे से सजाया गया है, लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, फॉल सीलिंग का इसमें आपको अच्छा काम देखने को मिलेगा। अगर आप ये देखें तो फुल फ्लैश हाइट के साथ में आपको ये वार्डरोब देखने को मिल जाता है, फोर डोर वार्डरोब आने वाला है आपका, ग्रेइश टोन में है। तो आपके अगर जगह की कोई कमी होने वाली है नहीं, क्योंकि हाइट इसमें अच्छी आ जाती है। दोस्तों इसी के साथ में ये लगता हुआ आपको बालकनी देखने को मिल जाता है, ये देखिए दोस्तों ये हो जाता है इस फ्लैट का सबसे मेन यूएसपी। जैसे कि हम बात कर रहे थे ये ईस्ट फेसिंग होने वाला है, तो आपको प्रॉपर यहाँ से धूप तो आने वाली है, लेकिन धूप के साथ में दोस्तों आपको चाहिए होती है प्योर हवा। देखो पेड़ पौधे अगर अगल बगल में ना हो तो आपको कैसे मिलेगी, लेकिन आप अपने लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर सा ये पार्क मिल जाता है, इसको हाथी पार्क कहते हैं।
यहाँ से आपको ये देखिए इतनी अगर ग्रीनरी आपके अगर नियर अबाउट में हो तो आपको आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि देखिए ये अगर मैं आप यहाँ लेफ्ट साइड में अगर नीचे दिखाऊँ तो ये देखिए ये गेट आ रहा है आपका, ये गेटेड सोसाइटी के अंदर आने वाला है तो आपकी सिक्योरिटी और एनहेंस हो जाती है। फ्रंट फेसिंग तो हमने बताया, ईस्ट फेसिंग ओपन टू स्काई होने वाला है, सामने कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा कि आपकी धूप छिक जाए या कुछ भी हो, प्रॉपर आपको धूप आपको मिलने वाली है, सनलाइट प्रॉपर मिलती रहेगी। राइट साइड में अगर दोस्तों अगर आप जैसे चेक कर पा रहे हैं जो बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है ये आपकी ATS है, तो बिल्कुल इसके बैक साइड की तरफ ही आप मान के चल लें कि आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है। तो ये हमने आपको सारी चीज़ दिखा दी है। स्वर्ण जयंती पार्क भी दोस्तों बिल्कुल जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आप सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इससे बिल्कुल बैक साइड की तरफ ही आपको स्वर्ण जयंती पार्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था फ्लैट जो हम आपके लिए लेके आए थे, मेहनत बहुत करते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं आपको चीज़ें दिखाते दिखाते। तो कैसा लगा ये फ्लैट हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं, क्या इसकी खासियत लगी, क्या खामियां लगी, बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। अगर आप इस फ्लैट को विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो जो नंबर है वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आप रेट्स लेना चाहते हैं कुछ भी रेट्स के अकॉर्डिंग इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी ताकि आप इस प्रॉपर्टी को आराम से आएँ, अच्छे से देखें, अच्छे से विजिट करें, पूरा खुद देखें खुद परखें। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी जो है ना जो परचेजिंग है ईजी हो जाए, लेकिन अगर आप खुद आके देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है कैसे है। अच्छे से नेगोशिएट करें क्योंकि आप बहुत बड़ी पूंजी लगाएंगे अगर फ्लैट को परचेज करते हैं, तो अच्छे से नेगोशिएट करें और अगर मन बनता है तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का हमारा ब्लॉग जो कि हम आपके लिए लेके आए थे 4BHK फ्लैट वाला। कैसा लगा फ्लैट फिर से हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है काम करने के लिए, एनर्जी आती है ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएँ। चलिए दोस्तों चलते चलते अगर हम अगर बात करें इससे कनेक्टिविटी की, तो जैसे कि आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन बस स्टेशन है अगर नियर अबाउट 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है, आपका वैशाली मेट्रो स्टेशन 3-3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। अगर हम NH-24 से कनेक्टिविटी की बात करें तो नियर अबाउट 1 किलोमीटर से भी अंदर अंदर के डिस्टेंस पे आपको NH-24 देखने को मिल जाता है। नोएडा दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत पास की हो जाती है, बच्चों के लिए पास की जैसे हमने बात की, स्वर्ण जयंती पार्क और हाथी पार्क आपको सब नियर अबाउट एरिया में मिल जाता है। स्कूल्स की बात करें तो DPS कैम्ब्रिज जैसे बेहतरीन स्कूल आपको नियर अबाउट विसिनिटी में ही देखने को मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं दोस्तों वो भी सब नियर अबाउट एरिया में ही देखने को मिल जाते हैं। शॉपिंग मॉल्स भी सब आपको नियर अबाउट एरिया में ही देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते चलते इस फ्लैट की जो प्राइस है फिर से बता दें आपको, 2,30,00,000 रखी गई है जो कि नेगोशिएबल है। फ्लैट आपने चेक कर ही लिया है, कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।